आगे बढ़ते हुए खबर अब महाराष्ट्र से, जहां आमतौर पर लुटेरों बदमाशों से इसे महफूज माना जाता है, लेकिन आज इसी सूबे के एक शहर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। सरेआम चंद बदमाशों ने एक व्यापारी से पहले मारपीट की, फिर लाखों की लूट को अंजाम दिया। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हर बिजनेसमैन को डराने वाली हैं। ये तस्वीरें बदमाशों के बुलंद हौसलों की तस्दीक करती हैं। ये कोई मामूली लूटपाट नहीं, बल्कि लाखों की लूट की दिल दहला देने वाली वारदात है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर की हैं। अब इस सनसनीखेज लूट को सिलसिलेवार तरीके से देखिए। एक शख्स रात के अंधेरे में सुनसान सी सड़क पर चल रहा है। इसके कंधे पर बैग भी है। किसी भी ठीक इसके पीछे हाथ में हथियार लिए दो बदमाश दिखाई देते हैं। इसे जैसे ही खतरे का एहसास हुआ, बदमाशों ने इस पर हथियार से हमला कर दिया। जैसे तैसे ये शख्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश इस पर लगातार धारदार हथियारों से हमला करते रहते हैं। इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बदमाशों का शिकार बना यह शख्स अपना बैग इनके हाथ नहीं लगने देता। जान आफत में पड़ गई, लेकिन इसके बावजूद इसने बैग नहीं छोड़ा। इसकी वजह है इसमें मौजूद 33 लाख रुपए की बेहद कीमती ज्वेलरी। इन खतरनाक बदमाशों से बचते बचाते ये शख्स एक घर की ओर दौड़ता है। इतने में इन दो बदमाशों का साथ देने इनका तीसरा साथी भी आ जाता है। जबकि चौथा सामने ही खड़ा रहता है। ये तीनों मिलकर इसको बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर देते हैं। आखिर में ये खूंखार बदमाश इस बिजनेसमैन से बैग लेकर भाग निकलते हैं। शांतिलाल मेहता नाम के व्यापारी मुंबई से आज सवेरे कोल्हापुर पहुंचे। उनके पास सोने के जेवर थे जो पार्सल उन्होंने यहां पे डिलीवर के लिए लाया था। चोरी हुआ माल लगभग 33 लाख रुपए का है। बहरहाल बदमाश अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दीपक सूर्यवंशी, कोल्हापुर, इंडिया न्यूज।